होकर शिवपुरी से गुना जाने वाली बस से जान हथेली पर रखकर सफर करने वालों को मजबूर है लोग। बस मालिक को अधिक कमाई और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुविधा शुल्क से है मतलब। शिवपुरी से गुना जाने वाली बस में ओवरलोड को अनदेखा किया जा रहा है। यात्रियों और खासकर विद्यार्थियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को कंसेशन पास होने के बावजूद भी मनमाना किराया वसूला जा रहा है। 40 सीटर बस में भेड़ बकरियों की तरह सवारियां भरी जाने को भी परिवहन विभाग ने छूट दे रखी। आरटीओ ऑफिस में कोई सुनने वाला ही नहीं है। भदरवाह से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। बाल विदुषी राधा स्वरूपा सुश्री जया किशोरी जी का सिवनी मालवा में हुआ नगर आगमन। 25 अप्रैल से 1 मई तक होने वाली भागवत कथा के लिए जया किशोरी जी का सिवनी मालवा नगर आगमन हो गया। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि मेरी भागवत कथा के माध्यम से ईश्वर के नाम का श्रवण कराने के साथ साथ आज समाज में महिलाओं और बच्चियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ संदेश हमेशा से कहती आई हूँ। मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि महिलाओं का आदर सम्मान होगा तभी तो देश का सम्मान होगा। सिवनी मालवा से शशिकांत शर्मा की रिपोर्ट। रीवा में ठेकेदार की लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं लोग। पार्षद द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मामला रीवा में कुबेर तालाब के पीछे बनी नई कॉलोनी का है। हाल ही में सप्लाई वाले पानी की पाइपलाइन डाली गई थी। इसका काम नगर निगम द्वारा ठेकेदार को दिया गया था। ठेकेदार द्वारा काम ऐसा किया गया कि पाइपलाइन आए दिन कहीं ना कहीं से खुल जाती है और परेशानी लोगों को झेलना पड़ रही है। पार्षद द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। रीवा से विजय द्विवेदी की रिपोर्ट। शिवराज सरकार के हर एक को शिक्षा के ढोल की पोल खोल रहे हैं। रीवा में शासकीय स्कूलों के बुरे हैं हाल, न मैडम का पता है और ना ही बच्चों का। मामा जी, रीवा में वार्ड क्रमांक 10 के शासकीय स्कूल में न कर्मचारियों का पता है और न बच्चों का। छोटे से कमरे में चल रही है प्राइमरी स्कूल। एमपी न्यूज एक्सप्रेस चैनल की टीम जब स्कूल पहुंची तो वहां का नज़ारा हैरान कर देने वाला था। क्लास कमरे में एक पंखा तक नहीं था और हैरानी की बात यह है कि इस कमरे का किराया भी कर्मचारियों को देना पड़ता है। कई बार आला अधिकारियों से बात की गई लेकिन उनके द्वारा केवल अंशदान ही भरा दिया जाता है। कहने को तो स्कूल क्लास में बच्चों का ही नामो निशान नहीं था, केवल एक कर्मचारी ही उपस्थित थी। उन्होंने बताया कि मैडम आई थी लेकिन उनको कुछ काम था इसलिए चली गई। स्कूल में मूलभूत सुविधा न होने के कारण बच्चों को माता पिता स्कूल भी नहीं आने देते। वही दिक्कत है मैडम, बहुत छोटा है कमरा। तो कहाँ बैठाएंगे आप? जी जी जी, पहले नहीं इतना जागरूक थे तो अगर लिखा देते थे। जी जी, थे बच्चे अभी 2-3 साल से इस तरह की। अच्छा, तो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं की गई? आप लोग बोलने की हमको जगह दीजिए, तो उनका क्या कहना था? रीवा से विजय द्विवेदी की रिपोर्ट।